नमस्कार नमस्कार दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आजकल डिस्कशन चल रहा है। लास्ट टाइम एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर कुछ बेसिक्स, रूट्स का कुछ नेचर और कुछ दो तीन प्रॉब्लम्स भी मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर डिस्कशन की थी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर नई प्रॉब्लम्स के साथ। ये है जी नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे सामने। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस सिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आसान प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। कम टू द सॉल्यूशन फॉर दिस। आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मुझे गिवन है। तो जैसे ही अल्फा बीटा रूट्स मुझे बोला गया, मैंने एकदम से अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो वो मेरे पास माइनस वन अपॉन वन, यानी अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट मेरे पास माइनस वन आ गया। सेकेंड थिंग, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए के इक्वल होता है, वो आर अपॉन वन यानी आर के इक्वल आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आर एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। ये दो चीजें तो मैंने जैसे ही सुना कि अल्फा बीटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, मुझे अपने आप से निकाल लेनी चाहिए थी। अब आइए मैंने देखना है कि मुझे और क्या गिवन है। दूसरी चीज मुझे गिवन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना है कि मैं ऐसा क्या फॉर्मूला लगाऊं कि जिसमें इन दोनों चीजों का यूज भी कर लूं और वो इसके इक्वल भी हो। तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब के लिए फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस थ्री अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये मुझे याद आता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट है मेरे पास, इसके प्लेस पर मैंने माइनस वन क्यूब पुट कर दिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रिजल्ट मेरे पास माइनस सिक्स ऑलरेडी है, ये पुट कर दिया मैंने। प्लस थ्री अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट मेरे पास आर के इक्वल है, ये पुट कर दिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन है, ये पुट कर दिया। आसानी से आर का वैल्यू निकल आएगा मेरे पास। देखिए माइनस वन का क्यूब माइनस वन, इस सिक्स को इधर ले आइए, प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री आर, यानी मेरे पास आ गया माइनस थ्री आर इज इक्वल्स टू फाइव और आर का वैल्यू आ गया माइनस फाइव अपॉन थ्री। कोई भी मुश्किल नहीं है जी, बड़ी आसानी के साथ मैंने इसको सॉल्व कर लिया जी। तो माइनस फाइव अपॉन थ्री, इट मीन द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मुझे फॉर्मूले टाइम पर याद आने चाहिए और मुझे उन्हें अप्लाई करना भी आना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। मुझे प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करूंगा तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है जी। इज इट फाइन? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? इसमें मुझे बोला अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर
अगर मैं इस x और 1 को इधर ले आऊं तो मेरे पास माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा इसके रूट्स मुझे गिवन है और वैल्यू मुझे इसका फाइंड आउट करके देना है। वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑफ अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई यहां करूं तो मेरे पास अल्फा बीटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। तो रिजल्ट एक्चुअल में मुझे इसका निकाल करके देना है। तो इसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जिन्हें उसने अल्फा और बीटा बोला है मुझे उसे फाइंड आउट कर लेना चाहिए। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में टू ए, ये मैंने कैलकुलेट करना सोचा जी। तो माइनस बी का वैल्यू नेगेटिव वन है, यहां प्लस वन आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस वन स्क्वायर यानी वन, फोर ए के प्लेस पर वन और सी के प्लेस पर भी वन, सी के प्लेस पर माइनस वन। तो कितना आ गया ये फोर और ये वन, फाइव हो जाएगा और अपॉन में टू इंटू वन, टू इंटू वन टू ए। तो एक्स का वैल्यू मेरे पास आया वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू, वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। इट मीन मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ गया वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू और मेरे पास बीटा का वैल्यू आ गया वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। अब अगर इनका इंटू करूंगा मैं तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आ जाएगा, फिर मुझे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जरूरत पड़ने वाली है, उसे भी मैं निकाल लेता हूं। इज इट फाइन। आइए पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट कितना आने वाला है। अल्फा इंटू बीटा यानी वन प्लस रूट फाइव एंड वन माइनस रूट फाइव और दोनों के अपॉन में टू है, ये फोर हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा वन माइनस रूट फाइव, रूट फाइव का मल्टीपल करूंगा तो फाइव अपॉन में फोर जो कि माइनस वन आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन। इज इट फाइन। अब अगर मैं अल्फा क्यूब निकालने की कोशिश करूं यानी वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू एंड होल क्यूब ऑफ दैट, तो मेरे पास कितना आएगा अपॉन में, तो यह आ जाएगा आपके पास एट। अब ये ए प्लस बी होल क्यूब के लिए फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो वन का क्यूब वन प्लस रूट फाइव का क्यूब फाइव रूट फाइव प्लस थ्री टाइम्स रूट फाइव एंड देन फिफ्टीन, ठीक है, थ्री इंटू रूट फाइव का स्क्वायर। तो दिस अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू पंद्रह और एक सोलह और प्लस एट रूट फाइव अपॉन एट। अगर एट से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टू प्लस रूट फाइव, दिस इज अल्फा क्यूब। ऐसे अगर मैं बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे पास टू माइनस रूट फाइव आ जाएगा। अब सब कुछ तो आ गया,
केवल यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा क्यूब 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 माइनस रूट 5 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 1, तो कितना आया 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 प्लस रूट 5 अपॉन में माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 5 अपॉन माइनस 1 या कह दीजिए नेगेटिव 2 रूट 5, नेगेटिव 2 रूट 5 इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास, जो मुझे अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा का फाइंड आउट करके देना था। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3, देन द वैल्यू देन द इक्वेशन इज, एक रूट गिवन है मुझे, इरेशनल रूट गिवन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था लास्ट वीडियो में कि इफ 2 माइनस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट देन 2 प्लस रूट 3 इज अनदर रूट, दूसरा रूट ये पक्का होगा ही होगा क्योंकि दे अकर इन पेयर, पेयर की फॉर्म में अकर करते हैं। मुझे क्या बनाना है, मुझे तो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला, एक को अल्फा सपोज करो दूसरे को बीटा, तो 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया आपके पास दैट इज 4। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया। इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला मुझे याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो गया मेरा। तो ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट मुझे गिवन था 2 माइनस रूट 3, दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। आइए देखते हैं और आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल देन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोला गया कि जी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रूट्स। अगर मैं ये सपोज करके चलूं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मुझे बोला गया कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो तब कहता है इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, ठीक। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे गिवन है
अल्फा प्लस बीटा, इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम मैंने लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इसको इधर मल्टीपल कर दिया, ये हो गया मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब मैंने इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में भी सोचा कि इसका क्या करूं, मैंने सोचा कि इसको मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख दूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट, अल्फा इंटू बीटा के रिजल्ट, सबके रिजल्ट मुझे मालूम है, उनको मैं यहां आसानी के साथ सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। जी आइए पुट करते हैं हम उन वैल्यूज को, क्या क्या वैल्यूज हैं वो उनको देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स के बारे में मुझे मालूम है कि वो तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो लो जी इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने माइनस बी अपॉन ए पुट कर दिया, राइट। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा है ये, इसका रिजल्ट मुझे सी अपॉन ए के बराबर मालूम है, लेकिन इसका तो स्क्वायर करना है मुझे, मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे माइनस टू सी अपॉन ए, इज इट फाइन। तो मेरे पास देखिए क्या रिजल्ट आ गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब, और ये मेरे पास प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर नेगेटिव टू सी अपॉन ए, इज इट फाइन। कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है आपको जो दोनों तरफ से कैंसिल की जा सकती हो, आप बोलेंगे हाँ जी है तो सही, क्या ए है जी अपॉन में, दोनों तरफ से ए काट लो आसान हो जाएगा, और तो मेरे पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में यहां बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने एक ए काटा है जी, यहां बी स्क्वायर के अपॉन में एक ए बच जाएगा और यहां मेरे पास टू सी बच जाएगा, ठीक बात है। अब अगर मैं इस टू सी को उठा के इधर ले जाऊं और ये चीजें इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या आ गया, टू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो क्या वो रिजल्ट आ गया जो आपको चाहिए था, नहीं जी बी स्क्वायर अपॉन में ए सी दिख रहा मुझे, यानी ये मुझे सी से डिवाइड कर देना चाहिए दोनों साइड, मैंने क्या किया दोनों साइड सी से डिवाइड करने के बारे में मैंने सोचा, डिवाइड बोथ साइड बाय सी, चलिए जी सी से डिवाइड करूंगा तो यहां तो टू रह जाएगा, यहां सी से डिवाइड करूंगा तो बी स्क्वायर अपॉन में ए सी आ जाएगा, यहां सी से डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला एक सी कम हो जाएगा बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, इसी का ही तो रिजल्ट चाहिए था, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, किसके इक्वल आया जी टू के इक्वल आया जी, यानी कौन सा पार्ट करेक्ट आया जी, ए पार्ट इज करेक्ट, इज इट फाइन, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी अभी हमने करना है, देखते हैं क्या है आगे की प्रॉब्लम। ये देखिए जी एक क्वेश्चन और मेरे सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकिन आसान, मुझसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए क्या है ये, पहले टू प्लस वन अपॉन फिर वही टू प्लस फिर वन अपॉन टू प्लस, इस तरीके से इन्फिनिटी तक चला गया। मैंने क्या किया,
मैंने इस चीज को x के इक्वल सपोज किया, x इज इक्वल्स टू कौन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इसी तरीके से अप टू इंफिनिटी तक ये चला गया, ठीक है। अब अगर आप इसको बड़े द्वार से देखें कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले 2 को छुपा लूं, ये लो जी x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2, यहां से अगर आखिर तक फिर देखने की कोशिश करें तो इन्फिनिटी तक ये एक बार फिर दोबारा से x नहीं लिखा जा सकता। आप कहेंगे बिल्कुल लिख दो जी, इसको क्या दिक्कत है, एक 2 अगर कम करके वही सेम थिंग 1 अपॉन और ये नीचे सारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैंने इस पूरे को क्या लिख लिया, एक बार फिर से x के इक्वल लिख लिया। और लगता है आप तो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने वाली है ये, x से मल्टीप्लाई करो ये x स्क्वायर हो गया, दिस इज 2 दिस इज 1 ना दिस इज 2x नॉट 2, ठीक है। और इसको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर आप लेकर के चलेंगे तो यही आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आई थिंक दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा है इसलिए मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, अंडर द रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, माइनस 4 ए के प्लेस पर 1 और सी के प्लेस पर माइनस 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। तो x का वैल्यू आया मेरे पास 2 प्लस माइनस 4 और 4 ये 8 आ जाएगा, ये अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो 1 प्लस रूट 2 ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जबकि 1 माइनस रूट 2 ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहां पर तो आपको सारे ही रिजल्ट प्लस के दिखाई दे रहे, नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जो भी रिजल्ट्स हैं इनमें केवल इस रिजल्ट को मुझे कंसीडर करना होगा, इस रिजल्ट को मुझे छोड़ देना होगा क्योंकि ये नेगेटिव आउटपुट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, 1 प्लस रूट 2 दैट इज द रिजल्ट, इज इट फाइन। तो इसलिए ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शंस को देख करके मेरे पास माइनस का रिजल्ट तो आने के चांस ही नहीं है जी, कहीं पर भी नहीं आएगा, किसी हाल में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इज इट फाइन, राइट। आइए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने, इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस अप टू इंफिनिटी, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसे भी मैंने x के इक्वल सपोज किया, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 6 अप टू इंफिनिटी। यहां भी आप देखिए उसी प्रकार से चालाकी आपको दिखानी है, x ये मेरे पास रूट ऑफ 6 प्लस इससे आगे जो भी कुछ है उसको एक बार फिर x लिख दीजिए, उसे एक बार फिर x लिख दीजिए क्योंकि अप टू इंफिनिटी है जी, इंफिनिटी में से एक वैल्यू कम भी कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी आपको। अब क्या करो,
स्क्वायरिंग कर लो दोनों से, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सिक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यानी मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। फैक्टर्स कर लेते हैं इसके, इसके फैक्टर्स मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स का एक वैल्यू आपके पास थ्री आ गया, एक्स का एक वैल्यू माइनस टू आ गया। अब नेगेटिव टू तो नहीं चलेगा जी, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपने लेना, तो इसलिए आपने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल। तो रिजल्ट मेरे पास जो आ गया दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, दैट इज द रिजल्ट। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया सॉल्व द इक्वेशन x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस टेन टाइम्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। मुझसे इसके रूट्स पूछे गए हैं। आइए करते हैं, आसान प्रॉब्लम है, देखने में थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं जी इतना मुश्किल नहीं है। मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स को कोई सपोज कर लेना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं मेरे पास एक जगह उसका स्क्वायर है और एक जगह विदाउट स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कुछ सपोज कर लूं तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। मेरे पास इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस टेन टी प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसके, तो टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40 प्लस 24 इज इक्वल्स टू जीरो। टी कॉमन निकाला, टी माइनस 6 माइनस 4 टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। तो फैक्टर्स हो गए टी माइनस 6 एंड टी माइनस 4। टी का एक वैल्यू आपके पास 6 आ गया, टी का एक वैल्यू 4 आ गया, लेकिन टी तो सपोज किया था मैंने किसी को, और टी जो मैंने सपोज किया था वो था मेरे पास x माइनस वन अपॉन एक्स। तो टी का वैल्यू 6, जिसका मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 6, टी का वैल्यू 4 इट मीन x माइनस वन अपॉन एक्स का एक वैल्यू 4। इसे और क्वाड्रेटिक बना देते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 6x, या कह दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वन इक्वल टू जीरो, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बार फिर मेरे सामने हैं जी, अब इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन मैं इसका नहीं कर पाऊंगा, सॉल्व करूंगा इसे तो मेरे पास 3 प्लस माइनस रूट 10 और x का दूसरा वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 5। ये मेरे पास दो दो रिजल्ट्स और आ गए, जिसको देखकर मुझे डिक्लेयर करना चाहिए कि ऑप्शन डी करेक्ट है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आसान है ये प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, आगे और प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।